आज हम बना रहे हैं आमले की अचार। मैं हूं जशन, मैं कुकिंग एंड लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हूं। लेट्स चेक आउट द रेसिपी। हमने लिए हैं 1.5 किलो आमला। इसे हम एक बड़े से बर्तन में डाल के अच्छे से वॉश करेंगे। पानी से अच्छे से धोने के बाद हम इसे अलग से साइड करके रखेंगे और फिर एक और बड़ा बर्तन लेंगे और उस बड़े बर्तन में हम डालेंगे पानी और आमले और उसे बॉईल करेंगे। अगर आप इन्हें इडली के कुकर में स्टीम करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। हमें ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसे हम कवर करेंगे, 10 से 15 मिनट तक बॉईल करने रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे आप बीच बीच में चेक भी करते रहिए। हमने ये 5 to 7 मिनट्स बाद चेक किया था। आप अगर आमले को अच्छे से देखेंगे तो उसमें लाइंस रहेंगी पत्ती जैसी, एकदम उसकी अलग अलग पत्तियां निकल आती हैं जैसे ऑरेंज की निकल आती हैं। तो जैसे ही आप आमले में इस तरह से देखें कि ये पत्तियां जो हैं वो खुल गई हैं आमले की, तो समझ जाना कि आपके आमले बॉयल हो चुके हैं। जैसे ही आमले की पत्तियां खुल गई यानी कि आपका आमला बॉयल हो गया है तो आपको ये पानी निकाल देना है। अब ये आमले आपको एक कपड़े पे फैला कर रखने हैं फैन के नीचे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये थोड़े वार्म लगे, आपको हाथ लगाने जैसे लगे, वही टाइम पे आप इन्हें डीसीड कर दें। देखिए इस तरह से पत्तियां अलग अलग हो जाती हैं, बहुत ही इजीली ये डीसीड हो जाएगा। आमले एकदम ठंडा होने का आप वेट ना करें, जब ये वार्म रहेंगे तभी ही आप इन्हें डीसीड करें। ये आमले डीसीड करने के बाद आप इन्हें 2 घंटे फैन के नीचे रख दें। अगर आप धूप में रखना चाहते हैं तो 1 घंटा है। अब हम इसमें जो मसाले डालने वाले हैं, जो एक ग्रेवी बनने वाली है, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। इसमें हम डालेंगे 6 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच हींग, 3 बड़े चम्मच मेथी दाना, 7 बड़े चम्मच नमक, 4 बड़े चम्मच शक्कर के, 1.5 बड़ा चम्मच कलौंजी, 3 बड़ा चम्मच पीली राई, 3 बड़ा चम्मच अजवाइन, 3 बड़ा चम्मच जीरा। एक कढ़ाई में मेथी दाना, जीरा और अजवाइन ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसमें 6 बड़े चम्मच सौंफ भी डाली थी, उसे भी हम इनके साथ ही ड्राई रोस्ट करेंगे। इन्हें हम स्लो मीडियम गैस पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनकी खुशबू ना निकले। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हैं येलो मस्टर्ड सीड्स। वैसे तो इनका पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप इस तरह से पीस सकते हैं। कलौंजी और ये राई को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए स्लो मीडियम गैस पे ड्राई रोस्ट करेंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे ये मस्टर्ड ऑयल। हमने लिए हैं 3 बोल ऑयल के, तकरीबन 750 ml। तेल को गर्म करने के लिए हमने बड़ी और मोटी कढ़ाई ली है। ये तेल को हम एकदम फास्ट गैस पे गर्म करेंगे जब तक इसका धुआं ना निकले। जो कढ़ाई आप यूज करेंगे वो थिक होनी चाहिए वरना तेल आपका जल जाएगा। जब ये तेल एकदम गर्म हो जाएगा तब आपकी आंखों में हो सकता है जलन होगी, क्योंकि हमारी तो आंखें बहुत जल रही थी एकदम, हमारा तो रोना ही निकल आ गया। तो यार इतना रो धो के हम ये वीडियो बना रहे हैं, सो प्लीज इसे लाइक तो जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। जो हमने जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी दाने को ड्राई रोस्ट किया था उसे हम दरदरा पीस लेंगे। हम कलौंजी और राई को नहीं पीसेंगे। इसमें थोड़ी सी तो मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन वैसे तो हम आंवले खाते नहीं हैं, ना ही उसका जूस पी पाते हैं, तो इस तरह से आप आंवले इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। मीनवाइल मम्मी हमको बना के दे रही थी गाजर का जूस, जब तक सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो ये तेल ठंडा हो गया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया था, हमने इसमें डाला नमक और डालेंगे इसमें हल्दी और लाल मिर्च। इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। आप चाहें तो इससे भी मिक्स कर सकते हैं। ध्यान रहे इनमें लम्स ना रहे मसालों के। इसमें हम डालेंगे हींग। सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आंवला। आपको ध्यान रखना है कि आंवले एकदम ड्राई हो गए हों, उसमें कुछ भी पानी नहीं हो। अब जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे मसाले हम वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आपकी अचार में बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं जाना चाहिए। आपके जो ये आंवले हैं वो भी अच्छे से पूरे ड्राई हो जाने चाहिए, वरना आपके अचार खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। जिस जार में आप ये अचार ट्रांसफ़र करेंगे वो जार भी आपका एकदम ड्राई होना चाहिए। अच्छे से आप उसे कपड़े से सुखा दें। अरे रुको रुको, अभी बैक मत करो, और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना बाकी है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर ताकि जो भी टेस्ट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए, और डालेंगे तीखी हरी मिर्च।
हरी मिर्च डालना एकदम ऑप्शनल है आपको, अगर अच्छा लगता है इनका टेस्ट तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और इसमें हमने डाले हैं 4 बड़े नींबू का जूस। अगर आपको लेमन नहीं डालना है तो आप 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए इसमें एक थोड़ा सा और तीखेपन का किक हो तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम एक कांच की जो जार होती है जिसमें हम अचार डालते हैं उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे तो आप इसे अभी भी खा सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, लेकिन आप 2 दिन इसे अगर धूप दिखाएंगे तो ये और सॉफ्ट और इसमें और इसके टेस्ट एनहांस हो जाएंगे। और हमने और भी काफ़ी सारी अचार बनाई थी। आई विल सून शेयर ऑल द रेसिपीज़ विथ यू। आई होप यू लव द रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।